हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज अपने पास ओप्पो के 12X 5G स्मार्टफोन और आज हम आपको बताएंगे कि आप लोग के 12X 5G स्मार्टफोन की आप लोग कैमरा सेटिंग को किस तरीके से ठीक कर सकते हो। तो आज हम आपको ओप्पो के 12X 5G स्मार्टफोन की कैमरा सेटिंग ठीक करना सिखाएंगे। आपको किस तरीके से करना है, लाइक कौन सी सेटिंग करनी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो पर मिलेगी। तो आपको यहाँ पे कैमरा सेटिंग ठीक करने के लिए सिंपली से क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे अपने फोन के कैमरा ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने फोन के कैमरा ऐप को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस है वो आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे, ऊपर भी एंड नीचे भी। तो अब आपको यहाँ पे सिंपली से क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऊपर काफी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो यहीं पे आपको साइड में कॉर्नर में 3 डॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको सिंपली 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको जो सेटिंग का आइकन दिख रहा है ना, सिंपली से आपको सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेटिंग के आइकन पे क्लिक किया तो आपके फोन की जितनी भी कैमरा सेटिंग है वो सारी कैमरा सेटिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अब आपको यहाँ पे सिंपली से क्या करना है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाना है। देखते हो यहाँ पे काफी सारी सेटिंग्स है वो आ चुकी है। तो आपको सिंपली से यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आओगे तो नीचे भी आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको सबसे लास्ट में आ जाना है रीस्टोर डिफॉल्ट। तो आपको सिंपली रीस्टोर टू डिफॉल्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना सबसे लास्ट में, सिंपली आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रीस्टोर टू डिफॉल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको रेड कलर में रीस्टोर डिफॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिंपली से रीस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके फोन की जो कैमरा सेटिंग है वो सारी रीस्टोर हो जाएंगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से काम भी करेंगी। तो आप भी कर सकते हो।